आपको ये वीडियो बताने जा रहा हूँ जो इसको इस पौधे को मतलब तारामीरा कहते हैं और तारामीरा की खेती कैसे होती है ये आज आपको मैं ओरिजिनल बता रहा हूँ। ये अपने खेत की खुद के खेत की है निजी। तो ये तारामीरा किस यूज में आता है, वैसे इसके अंदर क्या चिकनाई थोड़ी सी कम होती है लेकिन सब्जी के लिए इसके लिए तारामीरा का तेल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। और तारामीरा की बुआई भी इसकी अक्टूबर के फर्स्ट में और लास्ट में तक मतलब हो सकती है, तो उसका तारामीरा की पैदावार अच्छी होती है। और इसमें बावा चौथा वैसे पिछले अगले वीडियो में हमने बताया था कि तई निकलवाना, कल्टीवेटर निकलवाना, फिर पावटा लगाना और पावटा लगाने के बाद में इसे सस्ती सुंदर वैसे बिजाई कर दी जाती है। इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहा हूँ ना, तो ये फसल है ना, तो अभी आपको दिखाई दे रही है, तो ये फसल हमारे को मतलब है बिल्कुल सस्ती सुंदर बिना पानी के। इसको पानी नहीं दिया जाता है, तारामीरा की खेती में पानी बिना पानी के ये फसल हो जाती है। ये अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर में या सितंबर अक्टूबर में बारिश हो जाती है तो तारामीरा की बुआई हो सकती है। और इसके पैदा के लिए अपन को ये बुआई होने के बाद में इसके ऊपर पानी मामूली भी छींटे पड़ जाए ना, आधा इंच, एक सौ, दो सौ, चार सौ होती तो भी ये उगता नहीं, इतना मतलब पौधा इसका बीज होता है हल्का होता है। इसलिए इस पौधे को मतलब बुआई के लिए ऊपर बारिश नहीं होनी चाहिए और बारिश चाहिए ही नहीं इस पौधे को। बिना बारिश के ये खेती आराम से और सरल से हो सकती है। जैसे आप देख रहे हो ये पूरे खेत में, ये अपने निजी खेत का ये है। और आगे के लिए मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर पानी गिर गया था आगे वाले वीडियो में, कल उधर खेत है उस वीडियो को मैं आपको बताऊंगा कि उसमें पानी गिरने से कितने पौधे उगे हैं, कितना ख़राब हुआ है, मैं आपको सब बताऊंगा। और ये अब आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपके लिए करना। धन्यवाद।